देश के चार राज्यों में चांदीपुर वायरस का प्रकोप फैल गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एम वाजपेयी हैं, जो बच्चों के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, एम्स से रिटायर्ड हैं, एचओडी भी रहे हैं। सर, एक बात बताएं कि जो वायरस है चांदीपुर वायरस, ये किस तरीके का है और कैसा इसका प्रकोप देखा जा रहा है? देखिए, अभी जो हाल में सूचना मिली है गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, तो ये गांधीनगर के एरिया में और आसपास के कुछ एरिया में गुजरात में कुछ बच्चों को इफेक्ट हुआ है। कुछ बच्चे गुजरात से ही थे, कुछ बच्चे राजस्थान और शायद महाराष्ट्र के भी हैं। तो इसके मतलब ये है कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे इससे इन्फेक्शन का प्रकोप हुआ है। ये वेक्टर से होता है, मच्छर से। बरसात का मौसम है, मच्छर पनपते हैं, तो ये इस तरह से ही होता है। ये कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए मुझे ये भी पता चला कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग भी बहुत तेज़ी से करी जा रही है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ही फैलता है। सर, एक बात बताएं कि अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसमें किस तरीके के लक्षण दिखते हैं, अगर हम इस बीमारी की बात करें तो ये एक वायरल का सीज़न कहलाता है हम लोगों का, जब बरसात का होता है पीरियड, तो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं प्रीडोमिनेंट, लेकिन ये बहुत रोबस्ट होते हैं। तो फीवर, वोमिटिंग, हेडेक, दौरे भी पड़ते हैं, डायरिया भी हो सकता है। तो ये सिम्टम अमूमन तो सिंपल होते हैं और होते रहते हैं, बट किसी बच्चे में बहुत तेज़ी से ये डेवलप हों तो ये बहुत चिंता का विषय है। और इस सूचना का हम ये देख सकते हैं कि हम तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका इलाज सिम्टोमेटिक है। इसके लिए एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट कोई नहीं है, कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में ले जाएं और उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। और इस वायरस की बात करें तो बताया जाता है कि इसमें मोर्टैलिटी रेट भी जो है काफ़ी है, 50 से 7% जो है देखा जा रहा है। ऐसे में मान के चलें कि 2 बच्चे में 1 की डेथ हो सकती है, तो कितना ज़रूरी है सतर्क रहना? सतर्क रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वैसे अमूमन मलेरिया का समय होता है जब बरसात होती है, सरकार प्रिकॉशन लेती ही है कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो, कूलर्स में पानी फेंका जाए और रखा ना जाए, इस तरह की चीज़ें तो वो तो अभी चली रही हैं, वही प्रिकॉशंस हैं। और जाएं तो अपने हाथ को, पैरों को ढक के जाएं, और एंटी रिपेलेंट मस्कीटो के लिए जो चीज़ें होती हैं वो स्प्रे करें, घर को सफाई रखें, मक्खियों को दूर रखें, खाने पीने की चीज़ें ऐसी इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये सैंड फ्लाई भी इसको करती है एज ए वेक्टर। तो यही सफाई ही मेन है। इसमें ये भी कहा जाता है कि लंग्स के माध्यम से ये सीधा ब्रेन में चला जाता है और फिर दिमाग में सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से मोर्टैलिटी होती है। ये ब्रेन को अफेक्ट करता है इनकेफेलाइटिस के रूप में, और जो सिम्टम्स हैं वो खास तौर से ब्रेन के सूजन की वजह से ही होते हैं। उल्टी भी इसी वजह से, कि रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। तो ये बेसिकली वही चीज़ आ गई कि हम प्रिवेंशन रखें, मच्छरों से दूर रहें, और सैंड फ्लाई, इस तरह की मक्खियाँ दूर रहें, सफाई से ही हो जाता है वो, बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं सफाई से। और सिम्टम जैसे ही होते हैं बताएं, स्क्रीनिंग का यही कारण है कि किसी को भी सिम्टम डेवलप कर रहे हो तुरंत अस्पताल आ जाए। और एक आखिरी सवाल कि 1966 में महाराष्ट्र के चांदीपुर में इसको पाया गया था, तो चांदीपुर वायरस बना, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इतने दिनों में इसका कोई काट नहीं निकल पाया है? क्योंकि मैं देख रहा था कि आंध्र प्रदेश में भी 2002-04 में काफ़ी ज़्यादा फैला था, तो क्या ये कोई पीरियोडिक फैलता है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कभी भी हो सकता है? ये सीधे सीधे इसका जो रिलेशनशिप है वो है सफाई से और पानी इकट्ठा ना होने से और मच्छरों से है। तो मलेरिया का लगातार खोज चली रही है, उसी तरह ये मच्छरों को ही कंट्रोल करना है बेसिकली। तो वैक्सीन जैपनीज इनकेफेलाइटिस की तो अवेलेबल है, इसकी डेवलप हो रही है, और सफाई का मेन अभियान है। मेरे ख्याल से हमारी सरकार का सफाई का अभियान अपने आप में एक रामबाण होगा, अगर हम लोग जो सफाई के अभियान इंडिया में चल रहा है पिछले 10 वर्षों से, अगर उस पर ही आगे चलते रहें तो एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर होगा। इसके अलावा वैक्सीन की भी खोज हो रही है। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।